जिनकी दुकानें बंद होगी, जिनके जो है धंधे बंद होंगे, जिनका करप्शन बंद होगा, वो तो FIR दर्ज करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो प्रोला SDM है वो अपनी तानाशाही कर रहे हैं कि आज के डेट में देखिए, अगर एक विधायक पे जाके वो FIR दर्ज करने की बात कर रहे हैं तो जनता के क्या हाल होते होंगे, जनता के बारे में क्या सोच रहे होंगे। इनका जो अगर आप पिछला ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए, आप जहाँ पहले भी रहे हैं वहाँ भी विवादित रहे हैं, और यहाँ पे जनता के साथ इन्होंने हमेशा जो दुर्व्यवहार किया है। इनकी जो है पहले एक कंप्लेंट आई है, तो उस कंप्लेंट में सरासर उन्होंने जो अपने पद का और अधिकारियों का अधिकारों का जो है दुरुपयोग किया है। उन्होंने उसकी जांच ना करवा करके तथाकथित कुछ लोगों के साथ बैठ के सांठ गांठ करके उस जांच को भी ठंडे बस्ते में डाल दिया। दूसरी बात, अब आज के कल की बात देखिएगे, कल मैं सडनली अपने क्षेत्र भ्रमण कार्यक्रम पे थे, वर्किंग डे में एक SDM सरकारी गाड़ी, सरकारी ड्राइवर, सरकारी उसमें तेल, तमाम चीज़ें जो सरकार का जो धन का दुरुपयोग कर रहा है। मुझे चुड्डू में विकास नगर से पहले में ना, मैंने उस बारे में अपने जिलाधिकारी उत्तरकाशी से पूछा कि भाई आपका जो जिला उप जिलाधिकारी है, आपने कहीं किसी काम से भेजा या छुट्टी लेके गया, तो उन्होंने स्पष्ट मना किया कि इस तरीके से हमने हमारे से संज्ञान में कोई ऐसी बातें नहीं है, ना वो छुट्टी पे गया। और वो सरकारी गाड़ी लेके हमेशा सैटरडे को, वर्किंग डे को, हम उनका घर विकास नगर में, वो विकास नगर जाते हैं और सरकारी धन और पैसे का, तमाम चीज़ों का वो दुरुपयोग अपने पद के उसमें वो सरकारी धन का दुरुपयोग करते हैं। दूसरी बात, जब उनको ये तमाम चीज़ें रही तो उन्होंने जो है, उनके पास कोई एविडेंस नहीं थे, उन्होंने जो हम पे एक विधायक पे उन्होंने जो है FIR दर्ज करने की बात मुझे भी आपके आप जैसे मित्रों के माध्यम से पता चल रहा है और सोशल मीडिया से पता चल रहा है। तो देखिए, अब इसकी जांच होनी चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ, जिसने भी अभी तक FIR दर्ज नहीं हुई है, उससे पहले जो उनके तथाकथित जो एजेंट है, जिन्होंने इसको सोशल मीडिया पे वायरल किया या न्यूज़ पे वायरल किया, उनके खिलाफ और SDM के खिलाफ मैं महानानी का केस करूंगा। क्योंकि वो सरासर वो इसलिए परेशान है क्योंकि मैं जनता के बीच का आदमी हूँ, मैं जनता के लिए काम कर रहा हूँ।